Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? मैं जुलेखा अरफान, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ। सो चलिए आज हम क्या बना रहे हैं, चलिए आज हम बनाते हैं चिकन अचारी पुलाव। मजेदार सा है, बहुत ही डिलिशियस है, जरूर बनाइएगा। चलिए क्विकली बनाते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए एक पतीली को फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार, दो तेज पत्ता, एक डांडी दालचीनी की, एक बादियान और एक बड़ी इलायची, चार पांच काली मिरी, चार पांच लौंग, तीन चार हरी इलायची और आधा चौथाई का चम्मच जीरा, साबुत जीरा। ये सारी चीज़ों को तड़तड़ा जाने दीजिए फास्ट आंच पर। जब तड़तड़ा जा रहा है तो तीन मीडियम साइज की प्याज लंबी लंबी बारीक काट कर इसमें डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए और इसे फ्राई करना है आपने। थोड़ी सी नम हो जाए ना तो इसमें डाल दीजिए 6-7 लहसुन की कली मोटी मोटी बड़ी वाली और इसे भी फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये जो प्याज है ना लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। ये देखिए कुछ मिनटों में तो ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, डार्क मत कीजिएगा प्याज को। अब डाल दीजिए दो टमाटर मीडियम साइज के और इसे डाल कर मिक्स कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून जितना। मिक्स कर लीजिए और इसे स्लो आंच करके ढक के इसे कुछ 4-5 मिनट के लिए पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक टमाटर नम नहीं हो जाते। चलिए 4-5 मिनट हो चुकी है, ये देखिए टमाटर अच्छे नम हो चुके हैं। अच्छा अगर आपके मैश ना हुए हो तो थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से मैश कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ चर्बी निकाली हुई धोई हुई 750 ग्राम्स चिकन, इसे मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मैं मीडियम आंच कर देती हूँ और इसे आप तकरीबन 1-2 मिनट तक इसे पकने दीजिए। जब 1-2 मिनट हो जाए तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। 2-3 मिनट हो जाए चिकन को पकते हुए तो अब डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच नमक, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1-1.25 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। जी हाँ मैं 1.25 टेबलस्पून डाली हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। चूल्हा मीडियम पर है, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा पुलाव स्पाइसी अच्छे लगते हैं इसके लिए मैंने ज़्यादा डाला है, आप चाहें तो 1 या 1.5 छोटा चाय का चम्मच डाल सकते हैं। अब इसे भून लीजिए मसाले जो डाले हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी का छींटा मारकर मीडियम आंच पर इसे बार बार चलाते हुए भूने। मैंने पानी नहीं डाला है, मैं स्लो मीडियम करते हुए मसाला भून रही हूँ। अब मसाला भून गया तो मैंने यहाँ 1/4 कप जितना दही डाल दी और इसे मिक्स कर लीजिए। चूल्हा अब मीडियम आंच पर रखिए और ये जो दही डाली है आपने इसे भी भूनने दीजिए। तकरीबन 3-4 मिनट में तो दही भून जाएगी। जब 3-4 मिनट में दही भून जाए इस कदर और तेल छूटने लगे, चूल्हा स्लो आंच कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए 6-7 आलू बुखारे, उसे मिक्स कर लीजिए डालने के बाद। उसके बाद मैं डाल देती हूँ 2 छोटे चाय के चम्मच भुना हुआ और दरदरा पीसा हुआ धनिया, साबुत धनिया, ये डालकर मिक्स कर लीजिए। मैंने चूल्हा मीडियम कर लिया और 1/2-1 मिनट तक ही मुझे मिक्स करके मैं पका रही हूँ। अब यहाँ दो तरीके हैं, आप चाहें तो इसी समय जब आप पका लें 1/2-1 मिनट के बाद चूल्हा स्लो कर ढक कर इसे पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं गल जाती। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं वैसा नहीं पका रही हूँ, मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ फास्ट आंच पर। इसको मिक्स कर लीजिए और इसका एक उबाल आ जाने दीजिए इसमें। जब उबाल आ जाए तो चूल्हा स्लो कर ढक कर इसे तकरीबन 15-16 मिनट तक पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं हो जाती। अच्छा मैंने पानी इसके लिए डाला है क्योंकि हमें स्टॉक मिलेगा, चिकन का स्टॉक कहिए या यखनी कहिए, तो उससे फ्लेवरफुल ज़्यादा हो जाएगी हमारे पुलाव। अच्छा अगर आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है तो आप 1/4 कप पानी डाल दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए 10-12 मिनट हो चुकी है, चिकन ऑलमोस्ट गल चुकी है क्योंकि मेरी छोटी चिकन थी, आपकी बड़ी हो तो 15 मिनट रख सकते हैं। चूल्हा फास्ट आंच कर दीजिए, आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है अभी भी चिकन का और या फिर यखनी कहें वो है। आप मैं थोड़ा सा तेल के लिए वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा और तेल ऊपर आ जाए तब तक मैंने यहाँ पर 2 मोटी मिर्चें डाले हैं। ये जो बीज से है ना बिज्जे निकाल लीजिएगा और डालकर एक बार चला लीजिए। इसके बाद ये है 3.5 कप चावल बासमती के हैं तो उसके हिसाब से मैं पानी डाल देती हूँ। तकरीबन मैंने पानी डाला है 4.5 कप, यूजुअली डबल डालते हैं बट मैं डबल पानी नहीं डाल रही हूँ, 4.5 कप डाल रही हूँ। आप हिसाब से अपने हिसाब से डालते हो तो वैसा भी डाल सकते हैं। अच्छा इसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भरकर मिक्स्ड जो अचार आता है ना मैंने रेडीमेड डाला है वो डाल दीजिए इसके अंदर। नमक डाल दीजिए चावलों के भाग का बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलकर
और इसे ढककर एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो यहाँ सबसे पहले तो मैं बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल देती हूँ, और ये जो चावल है इसे धो के नितार कर सारे डाल दीजिए। तकरीबन ये 3.5 कप है, तो बोलिए ना 600 से 650 ग्राम चावल है, 650 ग्राम चावल है। अब फास्ट आंच पर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक आधा पानी नहीं सूख जाता। उसके बाद फिर से 1 टेबलस्पून जितना भरकर मैंने मिक्स्ड अचार डाला है, मिक्स वाला मिलता है ना, कैरी और सारे चीजें मिक्स होती है वो वाला, फिर से डाला है। अब इसे और पानी सुखा जाने सूखने दीजिए, मतलब ऑलमोस्ट जब पानी सूख जाए तो मैंने चूल्हा स्लो कर दिया। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, मैंने एक हरी मिर्ची को इस तरीके से बारीक काट कर, मोटी वाली है, इस तरीके से डाल दिया, और फिर से मैंने एक छोटा चाय का चम्मच यहाँ पर फिर से मिक्स अचार ऊपर डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर अभी आपको फिर से एंड में मिक्स अचार नहीं डालना, कोई बात नहीं, आपने 2 टेबलस्पून जितना डाला है उतना ही डालिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, अपना केसरी वाला, आपको दिखाने के लिए डाला, क्योंकि मेरे इसमें तो ज्यादा कलर डिफरेंस आएगा नहीं। अगर आप लाल मिर्ची का पाउडर कम डालते हो तो आप में ऐसे 2 कलरिंग आएंगे तो खूबसूरत लगेगा, बट मैंने लाल मिर्ची ज्यादा डाली है तो ज्यादा कलर डिफरेंस आएगा नहीं। मैंने नीचे तवा रख दिया, पानी जब ऑलमोस्ट सूख गया तो, और उसे दम पर स्लो आंच पर पकने दीजिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। जब 15-20 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। 10 मिनट के बाद इसे खोलिएगा और ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बढ़िया से खुले खिले खिले से चावल है, छोटे छोटे से चावल है, चिकन पूरी तरीके से हो गई, और अचार की जो खुशबू आ रही है माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो एक बढ़िया सी प्लेट में निकाल लें सर्विंग डिश के अंदर और गर्मा गर्म सर्व करें। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट है, अगर आपको और ज़्यादा अचार चाहिए अचारी फ्लेवर के लिए, तो ऊपर जब आप सर्विंग निकाल लेते हैं डिश के अंदर तो थोड़ा सा अचार उसके ऊपर डालकर सर्व कीजिएगा। ये हो गई है रेडी गर्मा गर्म चिकन अचारी सर्व होने के लिए। कचुंबर की भी जरूरत नहीं, इतनी लजीज लगती है माशाल्लाह खाने में। तो है ना मजेदार आज की रेसिपी। अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा ये वीडियो को, और बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।